भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की खास परंपरा। भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नर होता है, और यहाँ सत्ता की असली भागदौड़ प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। भारत के राष्ट्रपति को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, जबकि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, यानी कि संसदीय चुनाव होता है भारत में राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन अधिकतम पद उनका कितना होगा ये सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि अदर कंट्री में सीमा आधारित है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। भारत का राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के 3 हिस्से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति का शपथ सेंट्रल हॉल में होता है और इनको शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारत के राष्ट्रपति को शपथ लेने के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत में 21 जुलाई को शपथ क्यों होता है राष्ट्रपति का, तो आपको बता दें कि 25 जुलाई 1977 में नीलम संजीव रेड्डी के शपथ से हुई थी इसकी शुरुआत, और 9 राष्ट्रपति अभी तक 25 जुलाई को शपथ ले चुके हैं। अगर वीडियो